दार्जिलिङको सिंहमारी स्थित कृष्ण ग्राम सेवा संघको तत्वावधानमा आज आइतबार गाँजा हटाओ अभियानको आयोजना गरियो, जस अन्तर्गत गाउँ वरिपरि रहेका बारीहरूमा उम्रिएका गाँजाका बोटहरू पूर्ण रूपले नष्ट गर्ने कार्य गरियो, ताकि यो गाँजाको सेवन सुरु गरेर कसैको छोरा गाउँका युवाहरू कुलतको ढोकामा प्रवेश गर्न नसकुन्। गाउँका युवावर्गलाई नशालु पदार्थको सेवनबाट अलग राख्ने प्रथम कदमको रूपमा नै कृष्ण ग्राम सेवा संघले गाँजा हटाऊ अभियानको आयोजना गरेको हो। यस अघि संघले स्थानीय कृष्ण ग्राम समाज भवनमा नै संघका कार्यकारी सदस्यहरूलाई लिएर एक बैठक गरेको थियो, जसमा वर्तमान समयमा युवावर्ग विभिन्न नशालु पदार्थको शिकार बनिरहेको विषयमाथि चिन्ता व्यक्त गरियो। संघका अध्यक्ष सोनबहादुर लिम्बूको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरिएको यस बैठकपछि लगत्तै कार्यकारी सदस्यहरू नै हात हातमा हँसिया आदि लिएर गाँजाका बोटहरू काट्न निस्किएका थिए, जसमा आफ्नो बारीमा गाँजाका बोटहरू रहेका स्थानीय मानिसहरूले पनि उक्त गाँजाका बोटहरू काट्न सहयोग पुर्याएका थिए। यसका साथै उनीहरूले संघको यस अभियानलाई सकारात्मक रहेको पनि बताएका छन्। स्मरण गराइन्छ, हाल दार्जिलिङ पुलिस प्रशासनले यस्ता नशालु पदार्थको नियन्त्रण गर्न विशेष अभियान पनि चलाइरहेको छ, साथै पुलिस विभागले यस विषयमाथि सचेतना कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आइरहेको छ। तरै पनि यसमाथि भने जस्तो नियन्त्रण हुन नसकेको वर्तमान समयले नै बताइरहेको छ। यसै कारण प्रत्येक समाज अनि गाउँले नै यस्ता नशालु पदार्थको रोकथामको लागि पहल गरे उचित हुने धेरैको मत छ। यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर नै कृष्ण ग्राम सेवा संघले आजदेखि नशालु पदार्थ विरोधी अभियान सुरु गरेको हो, जसको प्रथम कदममा गाउँ वरिपरि रहेका गाँजाका बोटहरू नष्ट गर्ने कार्य गरिएको छ। मेरा भाई वेंटिलेशन में था, तो दो दिन में ही वो वेंटिलेशन से बाहर निकाला गया। यहाँ पे आने के बाद वो जलपाईगुड़ी में तो बोला था कि उसका कुछ चांसेस ही नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश जायसवाल, मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट की पोजीशन पर हूँ। पेशेंट मिस्टर तुषार मंडल, इन पेशेंट को बहुत सीवियर पैंक्रियाटाइटिस हुआ था और इसी कंडीशन में पेशेंट हमारे पास रेफर हुए थे, और हमने जब पेशेंट का एग्जामिनेशन किया तो हमने देखा कि कंडीशन पेशेंट की वाकई में बहुत खराब है। सो इमीडिएटली हमने पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट किया और ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फिर साथ में पेशेंट कोमा में चला गया था। सो ये सब चीज़ों की ट्रीटमेंट हमने साथ में स्टार्ट किया, और पेशेंट पार्टी ने, फैमिली मेंबर्स ने हम पर ट्रस्ट किया, और धीरे धीरे फॉर्चुनेटली पेशेंट की कंडीशन बेटर होने लग गई। और यहाँ के जितने सारे स्टाफ है, डॉक्टर्स है, सारे काफी अच्छे है, कोऑपरेटिव है।